हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भाजपा द्वारा अघोषित लाइट कटौती के विरोध में धरना प्रदर्शन कर सहायक अभियंता को सौंपा ज्ञापन। कस्बे में सोमवार को सुबह भाजपा मंडल कैलाश नगर की ओर से पोसालिया विद्युत विभाग कार्यालय पर अघोषित लाइट कटौती व विभिन्न विद्युत से आम जन के होने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए धरना प्रदर्शन कर सहायक अभियंता विजय सिंह मीणा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पूर्व जिला परिषद सदस्य बाबूलाल मीणा ने बताया कि सोमवार को सुबह विद्युत कार्यालय में सभी ग्रामीण किसान विद्यार्थी द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया एवं बताया कि सिरोही जिले में वर्तमान में अघोषित विद्युत महाकटौती से ग्रामीण व शहरी जनता परेशान है और राज्य सरकार की लड़खड़ाती विद्युत आपूर्ति व्यवस्था स्पष्ट रूप से राजस्थान कांग्रेस सरकार की अक्रमणीयता और विद्युत कुप्रबंधन की पोल खोल रही है। पूरे प्रदेश विद्युत संकट के चलते गांव, कस्बों और शहरों में बिजली आपूर्ति में अघोषित कटौती किए जाने का दौर शुरू हुआ है। उससे त्योहारी सीजन में ग्रामीण जनता के साथ साथ कामगार, छोटे व्यापारी समेत उद्यमी भी सकते में आ सकते हैं। मनमर्जी बिजली कटौती की लटकती तलवार से आमजन आहत हो रहा है, वहीं लोग सरकार की कार्यशैली को लेकर बेहद आक्रोशित हैं। इस मौके पर मंडल महामंत्री अमृत अग्रवाल, भाजपा नेता प्रताप परमार, पूर्व मंडल अध्यक्ष पुखराज माली, भाजपा शक्ति केंद्र संयोजक प्रवीण सिंह राव, श्रवण सिंह, कालू राम, मोड़ा राम, फूल सिंह, शंकर लाल, हिम्मत कुमार, रमेश परमार, जगदीश माली, प्रवीण सिंह खंदरा, गोपा राम, अरविंद मीना, राजेंद्र कुमार, शंकर लाल, इंद्र सिंह, मालदीप सिंह, शैतान सिंह, जितेंद्र सिंह, कुनबत सिंह, प्रभु राम, नरपत सिंह राडबर, ललित देवासी, विनोद देवासी, गणेशा राम, किशोर खंडेलवाल, श्रवण सिंह, पुखराज चेतन, गणेशा राम, गोपाल सिंह, कोपा राम, मग सिंह, कांत सिंह, हीर सिंह, भरत सिंह, चेत राम, भदा राम, कालू राम, भूर सिंह आदि ग्रामीण व किसान मौजूद रहे। जागरूक टीवी की पोसालिया से कल्पना माली की रिपोर्ट।